डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल इजी क्रिएटिव मैथ में। आप देखिए, आज हम सीखते हैं कि दो अंकों की संख्याओं का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट हम तेजी से कैसे निकाल सकते हैं, और इस विधि द्वारा जो आज हम सीखेंगे उसके बाद कंपटीशन एग्जाम में हम चुटकियों में यानी मात्र 10 सेकंड में हमारा वर्गमूल निकाल लेंगे, लगभग मान आ जाएगा और आपकी कैलकुलेशन बहुत तेजी से हो जाएगी। तो देखिए, आज देखते हैं किस तरह हम दो अंकों की संख्याओं का वर्गमूल निकाल पाते हैं। इस विधि को आप बहुत आराम से देखिए, समझिए, मेरी गारंटी है ये वीडियो देखने के बाद दो अंकों की संख्याओं का वर्गमूल आप बहुत जल्दी से सभी सीख जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हाँ, तो दोस्तों शुरू करते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ टू डिजिट नंबर्स कैसे निकालेंगे, दो अंकों की संख्या का वर्गमूल हम किस तरह निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो जितने भी स्क्वायर नंबर्स है ये हमें याद होनी चाहिए कि एक स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का 2 होता है, 3 का 9 होता है, 16 का 4, तो ये सारे नंबर्स हमें पता होने चाहिए। तो ये 9 तक हमें याद है, तो हम पूरी जितने भी टू डिजिट नंबर्स हैं उन सब का हम स्क्वायर रूट बहुत आसानी से और सेकंड्स में निकाल सकते हैं। आप इसको एक बार, पूरी जो मेथड है इसको बड़े ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को आप जैसे ही पूरा देखेंगे मेरी गारंटी है आपको पूरी तरह समझ में आएगा, चाहे कोई भी हो सबको समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले एक संख्या ले ली मैंने √23। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, 23 का वर्गमूल निकालना है। तो हमें यह देखना है कि ये 23 किससे बड़ा है। यहाँ पर तो 9 का 3 हो गया, 16 का 4 हो गया, 25 ज्यादा है, तो हम ले लेते हैं ये 16 से जस्ट बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो आंसर आएगा उसका जो पूरा डिजिट आएगा, जो पूरी संख्या आएगी वो आएगी 4। अब हम इसका डेसिमल पार्ट निकालते हैं। डेसिमल पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये 23 16 से कितना ज़्यादा है। तो इसका निकालने का तरीका यही हो जाएगा, 23 में से 16 को माइनस कर लेंगे 7। अब इसका डेसिमल पार्ट होगा a अपॉन 2b। अब आप कहेंगे कि ये a क्या है, 2 क्या है, b क्या है, तो ये तो बहुत सीधा हो गया कि a जो है ये आपका डिफरेंस है ये है, तो इसको ऊपर लिख लिया कि ये 23 16 से कितना ज़्यादा है, वो ऊपर आ जाएगा। नीचे आएगा बी, ये होल पार्ट है 4, तो ये आ जाएगा 2 × 4, तो ये जो 2 × 4 है ये 8 हो गया, तो 7/8, तो 7 को हम डिवाइड कर देंगे, तो 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.87, ये आ गया आपका 87। तो इस तरह हम इसको √23 हो गया 4.87। आप कैलकुलेटर से चेक करके देख सकते हैं, ये इसके लगभग इसी के बराबर आएगा। अब वैसे तो ये इरेशनल नंबर है तो पूरा एग्जैक्ट आ नहीं सकता, लेकिन ये इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू यही आएगी। कैलकुलेशन में हम इतना ही यूज करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपको समझ में आया होगा, मैं मान लेता हूँ नहीं आया आपको समझ में। एक और नंबर लेके देखते हैं, ये पहला हो गया, अब हम सेकेंड नंबर लेके देखते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही परफेक्ट होते जाएंगे। मैं ले रहा हूँ 32, मुझे 32 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से देखूंगा कि ये किससे जस्ट बड़ी है। तो यहाँ 36 है, यहाँ पर 25 है, तो ये 25 से जस्ट बड़ी है, तो जो होल पार्ट है वो तो आ गया 5, इसका स्क्वायर रूट। और अब इसके आगे देखते हैं कि a कितना है। तो a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही मेथड लगाएंगे, इसमें 32 में से 25 को माइनस कर लेंगे, तो ये आ गया 32 − 25, तो ये आ गया फ्रेंड्स 7, अगेन 7 आ गया, ठीक है, तो ये 7 आ गया। तो a upon 2b क्या हो गया, 7/2 × ये फुल पार्ट जो है, होल पार्ट है ये 5, तो 7/10 हो गया, दैट इज 0.7, तो ये जो आपका ये पार्ट ये आ गया 7। हम आगे 0 लगा सकते हैं, बाकी यहाँ पर भी ये अपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू एकदम करेक्ट आई है। हो सकता है इसके अंदर माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये अपने लिए कैलकुलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें यही चीज़ काम में लेनी है। अब लगता है आपको समझ में आ गया, कैलकुलेटर से चेक करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि जो हम सब कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं। मान लीजिए मैं एक और नंबर ले लेता हूँ और क्लियर हो जाएगा आपको एकदम से, गलती करनी नहीं है इसमें, क्योंकि जब एग्जाम होगा बैंक पीओ का या कोई और क्लरिकल का, एसएससी का, सीजीएल का, ये जितने भी एग्जाम होंगे, तो फिर आपको क्या करना है,
ये आपके कैलकुलेशन बहुत काम आने वाली है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इस चीज को समझ लेना है। कोई भी नंबर ले लीजिए, मैं ले लेता हूँ 93 का लेते हैं। 93 का लेंगे तो आप बताइए क्या आएगा इसके अंदर। ये जो 81 है इसे जस्ट ऊपर है, तो ये जो फुल पार्ट है होल पार्ट वो आ जाएगा 9। डेसिमल पार्ट निकाल लेते हैं ए अपॉइंट टू बी से, ए कितना होगा भाई, इसको 93 में से 81 को माइनस कर लेंगे, ये आ गया आपका 12। 83 में से 93 में से 81 को माइनस किया 12 आ गया। नीचे जो है 2b है, तो ये जो 2b सॉरी अब जो ये 2b आएगा ये कैसे आएगा, 2 इंटू बी फुल पार्ट 9, बहुत इजी हो गया, इसको कैंसिल कर लो 2/3 आ गया, तो ये लगभग 0.66 के आसपास आएगा, तो मैंने लिख लिया ये आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई। अब मुझे मेरी गारंटी है आपको समझ में आ ही गया होगा, हमने 3 सवाल कर लिए। अब इसका एक बहुत ही फनी एस्पेक्ट है वो हम देख लेते हैं। जैसे मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 99 का, ये बहुत ही मज़ेदार है, आप इसको देखेंगे कि ये क्या हो गया। तो जो स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं हम 99 का, तो सबसे पहले ये देखेंगे फुल पार्ट क्या है, फुल पार्ट तो यही आएगा 9। अब हमें डेसिमल पार्ट निकालना है, तो ए अपॉन टू भी निकालेंगे, तो ए कितना हो गया, ए हो गया 99 में से 81 सॉरी 99 में से 81 गया तो 18 अपॉन 2b, 2b 2 इंटू 9, तो 18 अपॉन 18 1 आ गया, यानी ये पूरा आ गया यानी ये पूरा आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर डेसिमल पार्ट आएगा ही नहीं, ये प्लस 1 आ रहा है, यानी ये 10 आ गया। कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर रूट 99 लगभग 10 के इक्वल होगा, स्क्वायर रूट 99 को हम लिखेंगे ऑलमोस्ट 10, 100 का 10 होता है आप जानते हैं, तो ये लगभग 10 आ गया। तो आप सोचेंगे कि 99 का 10 कैसे है, इसलिए आ गया क्योंकि जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मुझे लगता है आपको ये जरूर मेथड पसंद आई है। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें।